हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल बी हेयर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एब्डोमिनो पेल्विक क्वाड्रेंट एंड रीजन्स एनाटॉमिकल स्टडी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को टोटल फोर क्वाड्रेंट और नाइन रीजन्स में डिवाइड किया गया है और इस डिवाइडेशन से हम पता लगा सकते हैं एबडोमिनोपैल्विक कैविटी के किस ऑर्गन या टिश्यू में पेन टेंडरनेस स्वेलिंग स्कार या लंप है तो पहले हम देखते हैं एबडोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट अगर हम किसी भी चीज को फोर पार्ट में डिवाइड कर लें तो एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं यहां वन क्वाड्रेंट का मतलब होता है वन फोर्थ ऐसे ही एबडोमिनो पैल्विक कैविटी को मिड सजाइटल और ट्रांसवर्स लाइन से फोर क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है मिड सजाइटल लाइन जिफॉइड प्रोसेस से शुरू होकर अम्बलाइकस के थ्रू होते हुए प्यूबिक सिम्फाइसिस तक इमेजनरी लाइन बनती है ट्रांसवर्स लाइन अम्बलाइकस को क्रॉस करती है जिससे फोर क्वाड्रेंट बनते हैं फर्स्ट वन इज़ राइट अपर क्वाड्रेंट सेकेंड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट थर्ड राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड फोर्थ इज लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट नाउ वी विल टॉक अबाउट राइट अपर क्वाड्रेंट राइट अपर क्वाड्रेंट मीडियन प्लान के राइट साइड में अम्ब्लाइकल प्लान और केज के बीच में होता है इस क्वाड्रेंट में लीवर गॉल ब्लैडर हेड ऑफ पैनक्रियाज राइट किडनी और राइट एड्रिनल ग्लैंड हिपैटिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन, असेंडिंग कोलोन और पार्ट ऑफ ट्रांसफर्स कोलोन आते हैं नेक्स्ट इज लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट मीडियम प्लान के लेफ्ट साइड में अम्बलाइकल प्लान और केज के बीच में होता है इस क्वाड्रेंट में स्टमक स्प्लीन लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर बॉडी ऑफ पैनक्रियाज स्प्लिनिक फ्रैक्चर ऑफ द कोलोन पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन डिसेंडिंग कोलोन लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट एडिनल ग्लैंड आते हैं नेक्स्ट इज राइट लोअर क्वाड्रेंट। राइट लोअर क्वाड्रेंट मीडियन प्लान के राइट साइड में अमलाइकल प्लान के बिलो होता है इस क्वाड्रेंट में अपेंडिक्स सीकम असेंडिंग कोलोन राइट यूरेटर और फीमेल में राइट ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब आते हैं नेक्स्ट इज लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट मीडियन प्लान के लेफ्ट साइड में अम्ब्लाइकल प्लान के बिलो होता है इस क्वाड्रेंट में डिसेंडिंग कोलोन सिग्मोइड कोलोन लेफ्ट यूरेटर लेफ्ट ओवरी और फेलोपियन ट्यूब आते हैं अब हम देखते हैं रीजन्स या पार्ट्स। एब्डोमिनल एंड पेल्विक ऑर्गन्स को एक्यूरेट और इजीली लोकेट करने के लिए नाइन रीजन्स यूज किए गए हैं जिसे हम एबडोमिनोपेल्विक रीजन्स या पार्ट्स कहते हैं इस मैथड में एबडोमिनोपैल्विक एरिया को टू वर्टिकल और टू हॉरिजेंटल लाइंस नाइन रीजन्स में डिवाइड करती है ये टू वर्टिकल लाइंस मिड क्लेविकुलर पॉइंट से लेकर मिड इंग्विनल पॉइंट तक ड्रॉ की जाती है अपर हॉरीजेंटल लाइन सब कोस्टल लाइन होती है जिसे लोएस्ट कोस्टल कार्टिलेज या नाइन्थ रिब के बिलो ड्रॉ किया जाता है और लोअर हॉरिजेंटल लाइन इंटर ट्यूबरकुलर लाइन होती है जो पेल्विस के इलियक क्रेस्ट के ट्यूबरकुल के बीच में ड्रॉ की जाती है ये लाइंस यहां पर एब्डोमिनो पेल्विक एरिया को नाइन रीजन्स में डिवाइड करती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन टॉप मिडिल रीजन को हम एपिगेस्ट्रिक रीजन कहते हैं यहाँ नाम से पता चल रहा है एपी मीन्स ऑन और गैस्ट्रिक यानी स्टमक इसी से हमें हिंट मिल रहा है कि इसके बिहाइंड कौन सा ऑर्गन है एपिगेस्ट्रिक रीजन के राइट right साइड में राइट right हाइपोकॉन्ड्रिक और लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाइपोकंड्रिक रीजन होता है यहाँ प्रिफिक्स हाइपोमीन्स बिलो और अंडर और वर्ड कॉन्ड्रिक मीन्स कार्टिलेज होता है जिसका मतलब रिप्स के कार्टिलेज के अंदर पाए जाने वाले एरिया को हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं एपिगेस्टिक रीजन के बिलो एब्डोमेन के सेंटर में अम्ब्राइकल रीजन और इसके लेट्रल में राइट right और लेफ्ट लंबर रीजन होते हैं अम्ब्लाइकल रीजन के बिलो हाइपोगेस्ट्रिक रीजन होता है और हाइपोगेस्ट्रिक रीजन के लेटरल में राइट और लेफ्ट इलियक रीजन होते हैं अब देखते हैं एपिगेस्ट्रिक रीजन में पाए जाने वाले ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स तो एपिगेस्ट्रिक रीजन में स्टमक लीवर पैनक्रियाज डियोडनम, स्प्लीन और एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं राइट हाइपोकंड्रिक रीजन में लीवर गॉल ब्लैडर और राइट right किडनी होते हैं लेफ्ट हाइपोकंड्रिक रीजन में स्प्लीन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइंस लेफ्ट किडनी पैनक्रियाज स्टमक एंड टिप ऑफ द लीवर लोकेट होता है राइट लंबा रीजन में द एसेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट किडनी होती है अम्बलाइकल रीजन में डिटनम स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रांसफर्स कोलोन लोकेट होता है लेफ्ट लंबा रीजन में डिसेंडिंग कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी होती है हाइपोगेस्ट्रिक रीजन में यूरिनरी ब्लैडर, राइट एंड लेफ्ट यूरेटर पोर्शंस ऑफ द सिग्मोइड कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन यूट्रस इन फीमेल्स एंड वास्ट डिफरेंस द सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट इन मेल्स लोकेट होता है राइट इलियक रीजन में अपेंडिक्स सीकम असेंडिंग कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन राइट ओवरी एंड राइट फेलोपिन ट्यूब इन फीमेल्स पाए जाते हैं लेफ्ट इलियक रीजन में पार्ट्स ऑफ द सिग्मोइड कोलोन डिसेंडिंग कोलोन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट फैलोपिन ट्यूब इन फीमेल्स लोकेट होते हैं Thank you for watching our video and stay tuned for our next video.